तो गाइस जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं बहुत ही करीब हूँ 100 सब्सक्राइबर्स के, तो यार उसको जल्दी से कंप्लीट कर दो, आई नो आप लोग कर दोगे। तो गाइस अगर आप लोगों को मेरे वीडियो ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी में अपडेटेड रखते हैं तो यार किस बात का वेट कर रहे हो, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, जिससे आप इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपडेटेड रह सकते हैं मेरे वीडियोज के थ्रू। और गाइस अगर आप लोग मेरे को कोई न्यूज सबसे पहले भेजते हो तो उसके लिए आपको क्रेडिट मिलेगा मेरी वीडियोज में, तो यार डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर जाके मुझे न्यूज सेंड कर सकते हो और साथ ही में अपना नेम भी जरूर से लिख देना, जिससे मैं आप लोगों को क्रेडिट दे सकूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नाम ले रहा है रफ्तार भाई की बहुत इज्जत करूं, सब देखे हैं मैं रफ्तार भाई विलेट की बहुत इज्जत कर रहा है। राम राम भाई। राम राम भाई जी। भाई जी आप ये कहना चाहोगे अमन भाई ने लास्ट में आपका नाम? भाई देखो ये इतनी सी बात है कि जो गलत होता तो मरता तो नहीं, जाने किसी की छोटी बेटी से तुम पूछ रहे हो क्या तू कहना चाहिए, उससे उसको पता ही नहीं अभी उसके साथ पूरी तरीके से क्या हुआ है, ठीक बात, उसको धीरे धीरे पता चलेगा। भाई देखो ऐसा अपना कोई फालतू का आक्रोश नहीं है, FIR दर्ज करो और मैटर में ध्यान दो, सिंपल सा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये फालतू के शोर हम नहीं मचाते, हमें बिल्कुल मुद्दे की चीज़ चाहिए, हमने चाहिए FIR दर्ज कर लो इनकी और फिर आगे कार्रवाई हो जाए। हाँ लीगल वीगल हम देख लेंगे, लॉयर वॉयर हम डाल लेंगे, वो जो भी होगा हम देख लेंगे, हमें अरेस्ट वारंट चाहिए, तहकीकात चाहिए, बस बात खत्म, निष्पक्ष होनी चाहिए। अरे बिल्कुल, और के जो है बोल गया वो अपने आगे रख गया, जो रखना था देखो तुम, वो तुम्हारा काम है भाई, इन्वेस्टिगेट करना। अरेस्ट मांगते हम 24 घंटे में, अरेस्ट मांगते हम। मैं तेरे को 2 घंटे में FIR तो आसान हो जाया करेगा यार, यो तो फिर बहुत आसान हो जाया करेगा, कोई भी लड़की से ना कुछ भी कह देगी और फिर वो लड़का भगता ही फिरे, वैसे लड़कों की सुनवाई नहीं है। ठीक बात है, लड़की एक बार का उनकी एविडेंस है उसके पास यार है। चलो मैं तो अभी भी ये कह रहा हूँ, देखो हम पढ़े लिखे लोग हैं, मैं अभी यूँ कहूँ कि इसका भी एविडेंस देख लो और उस छोरी का भी देख लो और मैच कर लो और बिल्कुल लीगल तरीके से इनका जाए सॉर्ट कर दो, इन्हें परेशान मत ना करो। अगर एक FIR दर्ज कराने के लिए इतना भागना पड़े, या तो मार रोएगी या भाग जाएगी। सही बात है। भाई साहब आपका क्या कुछ कहना है, क्योंकि आप भी अमन भाई की सपोर्ट में पूरे दिखे हो, तो आपने क्या कुछ लगा है, आपके क्या कुछ कुछ नहीं भाई? यही एक तो FIR कराने की पूरी उम्मीद करेंगे, पूरा जोर लगाएंगे, FIR तो कराएंगे चाहे हो जाए कुछ, ठीक है। और जो है उस लड़के ने पूरी बात अपनी क्लियर कही है, इससे बड़ा सबूत तो क्या होगा, एविडेंस सारे उसके पास, सारे उसने वीडियो चैट सब दिए हैं, और इसके बाद भी अगर FIR नहीं करते हैं तो बिल्कुल गलत है, उसके लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे, आप लोगों के साथ है। लीगल उस पाप ने भरोसा होगा, आंटी जी ने बताया बिल्कुल है, लीगल के ऊपर है, और अगर किसी भी प्रकार का पुलिस के ऊपर दबाव होगा उसके लिए भी लड़ेंगे, दबाव हम भी डलवाएंगे, हम कोई सही चीज के लिए लड़ाई, सही चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, दबाव डालना है और लीगल तरीके से करना है। FIR और हमारे को अरेस्ट वारंट चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए बस अपने भाई, हमें और कुछ चीज नहीं चाहिए, और FIR भी पूरी तरीके वाली चाहिए, जो जो बिल्कुल बनती है नॉर्मल धारा। हेलो एवरीवन, तो आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी अमन बैसला भाई के बारे में। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि सेम चीज़ अगर किसी लड़की के साथ होती ना, कि किसी लड़के ने ऐसा कर दिया, तो आउटरेज ना कुछ और ही होता, पूरा सोशल मीडिया पागल हो जाता कि लड़की के साथ ये हो गया वो हो गया। अब जैसे अमन भाई के लिए बहुत, मैं देख रहा हूँ बहुत कम लोग आवाज़ उठा रहे, मतलब एक जो लड़की के लिए होता ना वो सेम चीज़ कभी किसी लड़के के लिए नहीं हो सकती। आप लोग आगे समझदार हो, मैं जो कहना चाह रहा हूँ शायद आप लोग समझ गए हों। बाकी एक चीज़ तो मैं हर बार बोलता हूँ कि भाई हर लड़का गलत नहीं होता, हर लड़की सही नहीं होती, तो ये भी एक बात है, बाकी जो मैं बोल रहा हूँ शायद आप लोग समझ गए। और भाई ये सब चीज़ें इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है कि लड़कियाँ, खासकर मैं सब लड़कियों को पॉइंट नहीं कर रहा, कभी तुम सारी बुरा मान जाओ, पर कुछ होती हैं, एक कैटेगरी होती है लड़कियों की जो ये सब काम करती हैं, ब्लैकमेल करती हैं और झूठी धमकियाँ देती हैं कि मैं तुम्हारे साथ ये कर दूँगी वो कर, और सच बात तो ये भाई सुनवाई भी उनकी है, सुनवाई लड़कों की बिल्कुल भी नहीं है, कि अगर किसी लड़के ने केस ठोक दिया ना तो सीधा कोई ना सुनवाई होगी, सीधा ठाक ले जाएगी पुलिस, ये आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं। और रही तीसरी बात, जैसे हम जैसे कोई यूट्यूबर हैं, हम कोई भाई वीडियो, कोई फेमिनिस्ट जो आजकल चल रही है, आजकल इन पर वीडियो बना देते हैं कि भाई ये चीज़ गलत है। सपोज़ मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, एक लड़की है, सपोज कोई भी लड़की है फेमिनिस्ट, वो लड़कों को गाली दे रही है, अब सेम चीज़ उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, पर सेम चीज़ अगर लड़के ने कर दी ना सेम चीज़, तो उसको ना इशू बना देंगे यार, क्या ही बताऊँ, मगा हम पे तो हो रखी है। तो भाई यही सीन है आजकल, यही सीन हो रखा है कि लड़कों की कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ लड़कियों की ही सुनवाई है। और भाई ऐसे झूठे केसेस के पीछे ना पता कितनों की लाइफ ख़राब हो जाती है, तुम सोच नहीं सकते, आधों की तो रिकॉर्ड में भी नहीं आता, और बहुत सारे केसेस मैंने सुन रखे हैं
कि चलो मैं तुम्हें क्या ही गिनवाऊंगा, बट तुम जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझ। आज इस वीडियो के थ्रू मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। वो ये है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। वैसे तो मैंने अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट योर ऑफर इज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग एट ऑल, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, यानी मेरे फ्रेंड सर्कल के थ्रू या ऐसे कुछ लोगों के थ्रू जिनको मैं जानता हूँ। और अभी रिसेंटली कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, और उनमें से एक है जिन्होंने मुझे एक ओपन ऑफर दिया है कि अगर मैं अपनी जो वीडियोस हैं उनका राइट उनको दे देता हूँ, यानी कि वो उनके प्लेटफॉर्म पे चली जाएगी, तो दे विल गिव मी अ वेरी वेरी बिग अमाउंट। वो अमाउंट भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, दैट इज मोर देन 100 करोड़। मैंने इमीडिएटली उनको मना कर दिया कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। 100 करोड़ क्या, अगर आप 1000 करोड़ दोगे तब भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो एक बार थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि ये लोग जो इतना बड़ा अमाउंट मेरे को दे रहे हैं उसके पीछे उनका क्या मोटिव है। बड़ा सिंपल है कि अगर मेरा जो कंटेंट है, यानी कि मेरी जो वीडियोस है, वो YouTube से हट जाती है और किसी एक OTT प्लेटफॉर्म पर चली जाती है, तो सोचो क्या होगा। आज मेरे YouTube चैनल के ऊपर 100 करोड़ से ऊपर व्यूज हो चुके हैं, दैट इज मोर देन 1 बिलियन व्यूज। अब जैसे ही मेरा जो कंटेंट है वो YouTube से हट जाता है और वो किसी एक प्लेटफॉर्म पर चला जाता है, तो एक झटके में उस प्लेटफॉर्म को लाखों लोग मिल जाएंगे। मान लेते हैं कि 1 करोड़ लोग हैं जो रेगुलरली मेरी वीडियोज को फॉलो कर रहे हैं। इस 1 करोड़ में से कम 10% लोग तो ऐसे होंगे जो कि 100 रुपए महीने का स्पेंड करने के लिए तैयार होंगे। तो एक झटके में उस प्लेटफॉर्म को, वो जो OTT प्लेटफॉर्म है, उसको एक झटके में 10 लाख लोग मिल जाएंगे। और अगर 10 लाख लोगों से 100 रुपए महीने का भी लिया उस प्लेटफॉर्म ने, तो उनको मिलता है एक महीने का 10 करोड़, यानी कि एक साल का 120 करोड़। तो वो कोई चैरिटी नहीं कर रहे हैं 100 करोड़ रुपए मेरे को दे करके, उनका अपना बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो चलिए गाइस, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द लाइक बटन एज वेल गाइस।